80 वर्ष की उम्र में बुजुर्ग अक्सर दूसरों का सहारा लेकर ही चलते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी महिला से मिला रहे हैं जिनकी उम्र बेशक 80 वर्ष की है, लेकिन जज्बा 18 वर्ष का है। भिवानी की 80 वर्षीय महिला संतोष देवी ने 27 अप्रैल से 1 मई तक चेन्नई में आयोजित नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में न सिर्फ भाग लिया बल्कि 3 पदक भी जीते। उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक और जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। संतोष की पुत्रवधू डॉक्टर ललिता मलिक ने बताया कि वो खुद एक खिलाड़ी हैं और उनके पति रविंद्र मलिक, जो भिवानी में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, वे भी खिलाड़ी हैं। उनकी सास योग के साथ दौड़ का अभ्यास भी करती थीं। चेन्नई में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पता चला तो उन्होंने अपनी सास का नाम भी लिखवा दिया और परिणाम सबके सामने है। परफॉर्म किया जैवलिन में, रेस में उन्होंने गोल्ड लिए, तो आगे हमारे कॉम्पिटिशन्स फिर नेशनल्स के लिए हम लोग चेन्नई गए। वहाँ पे भी मदर इन लॉ ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। शी वॉन 2 गोल्ड मेडल और 1 उन्होंने सिल्वर मेडल लिया जैवलिन थ्रो में, गोल्ड मेडल रेस में। उसके बाद मतलब शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो और बहुत मोटिवेटेड है। वहीं संतोष देवी ने कहा कि उनके खेल में उनके बच्चों ने बहुत उत्साहवर्धन किया, जिसकी बदौलत वे आज भी खेल रही हैं। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि खानपान और कसरत के सहारे वे किसी भी उम्र में अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मैं 3 मेडल जीत के लाई, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। वो उड़ेगी फिर तो उड़ जाकर मन ने भी खुशी मिली, अब भी कुछ तो करूँगी, हार जीत तो होंगी रहे, हारेंगे का जीतेंगे। बच्चा ने तो नहीं आकूंगी भाई, आगे बढ़ो कुछ करके दिखाओ। जब मन 80 साल की ने वो कर दिया तो तुम भी बढ़ो। क्या खाना बहुत बढ़िया था, देसी होया करता।